हेलो एंड वेलकम टू दोस्तों ऑटो कंपेयर। दोस्तों ये हमारा जो एपिसोड है वो सेकेंड हैंड कार बायर्स के लिए है, जो लोग का बजट 2 लाख रुपए है और 2 लाख रुपए के अंदर आपके लिए कौन सी गाड़ी लेने के लिए बेहतर होगी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए टॉप 5 कार्स की लिस्ट लेके आया हूँ जिसको आप सेकेंड हैंड मार्केट में 2 लाख रुपए के अंदर कंसिडर कर सकते हैं। तो मेक श्योर इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, काफ़ी कुछ मैं आपको इन्फॉर्मेटिव बताऊंगा आज के इस वीडियो में। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो मेरे ख्याल से आपको सेकेंड हैंड कार लेते वक्त कोई कन्फ्यूजन या धोखा नहीं होगा कभी। सबसे पहले शुरुआत करता हूँ दोस्तों नंबर 1 गाड़ी के साथ। दोस्तों ये हमेशा की तरह मैं जो राय देता हूँ वो है सेकेंड हैंड मार्केट में आप ऑल्टो 800 को देखिएगा। ऑल्टो 800 दोस्तों लेने के बहुत से वजह हैं। पहली बात तो ऑल्टो 800 अगर आप सेकेंड हैंड मार्केट में लेने जाते हैं तो रीज़न ये सबसे पहली बात तो ये दोस्तों 2 लाख रुपए के अंदर आपको अच्छी खासी मॉडल मिल जाती है। दूसरी क्या है, इसकी जो पार्ट अवेलेबिलिटी है, सेकेंड हैंड गाड़ी है, प्रॉब्लम आएगी 2 साल बाद तो जो पार्ट्स होते हैं ना इसके वो काफ़ी चीप प्राइस पर, और इंडिया में किसी भी कोने पर आप जाओगे उसका रिपेयरिंग सर्विसिंग कॉस्ट बहुत सस्ता आता है। यहाँ पर मैं इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो ऑल्टो 800 में 800 सीसी का इंजन आता है जो कि 47 bhp का पावर जनरेट करती है। गाड़ी में 5 लोगों के लिए बैठने की जगह, 177 लीटर का बूट स्पेस, ग्राउंड क्लियरेंस 160 mm का देखने को मिल जाता है, AC हीटर इसमें आ जाते हैं। प्राइसिंग में एक्सपेक्टेशन की बात करूँ तो अगर आप ऑल्टो 800 मार्केट में 2004 से 2009 मॉडल ले जाओगे तो अंडर 1 लाख रुपये में आपका आ जाता है। अगर आप 2010 से 13 का मॉडल लेने जाओगे तो 1.5 लाख रुपये पड़ता है, और अगर आप 14 के ऊपर के मॉडल लेने जाओगे तो 1.5 लाख रुपये के ऊपर आपका करीबन 2 लाख समझ लो 2 लाख 10 2 लाख 20 में आ जाती है। यहाँ पर रीज़न ये है कि अगर आप इस गाड़ी को लेते भी हैं ना तो आप बाद में काफ़ी अच्छे प्राइस पे इसको रीसेल कर सकते हैं। रीज़न ये है कि ऑल्टो 800 इसीलिए इतना बिकता है। नंबर 2 गाड़ी दोस्तों, अगर आपको थोड़ी सी एडवांस गाड़ी चाहिए दिखने में खूबसूरत लगे तो आप हुंडई ईऑन की तरफ जा सकते हैं। ईऑन लेने के बहुत से वजह हैं। पहली बात तो इसका इंटीरियर है दोस्तों, अगर आप सेकेंड हैंड मार्केट में कोई एक छोटी गाड़ी लेने जाते हैं ना तो जनरली ऑल्टो 800 का इंटीरियर बहुत बोरिंग लगता है मुझे तो, लेकिन ईऑन का इंटीरियर बहुत ज़्यादा रिफ्रेश लगता है और कुछ नया फील देता है। यहाँ पर मैं ईऑन की अगर बात करता हूँ तो ईऑन आपको मार्केट में 2010 से लेके अगर आप 16 तक का मॉडल लेने जाओगे तो मेरे ख्याल से 1,40,000 से लेकर 2,20,000 रुपये के बीच में आपको सारे वैराइटीज़ देखने को मिल जाते हैं। डिपेंड करता है आप कौन सा मॉडल लेते हो। कुछ लोग क्या करते हैं ईऑन में LPG भी लगा के चलाते हैं, तो अगर आपके शहर में LPG गैस स्टेशन है तो भाई सोने पर सुहागा, आपका कीमत बहुत ज़्यादा अच्छा मिल जाएगा, माइलेज अच्छा मिलेगा। ईऑन के अंदर 800 सीसी का इंजन आता था जो कि 55 bhp का पावर जनरेट करती थी, 75 nm का टॉर्क प्रोड्यूस करती थी। यहाँ पे मैं पेट्रोल की बात करूँ तो मिनिमम 20 तक का माइलेज निकाल देती थी, और कुछ लोग CNG बाहर से लगाते हैं, LPG बाहर से लगाते हैं तो वो उसमें मैं बात करूँ तो 25 से 30 तक का उस कंडीशन में एवरेज निकालती है। यहाँ पर इसकी मैं यहाँ पर बात करूँ सबसे अच्छी जो रीज़न रहेगी लेने के लिए वो है दोस्तों एक गुड लुकिंग कार है, गुड लुकिंग इंटीरियर है, डिज़ाइन वाइज काफ़ी ज़्यादा कम्फी दिखती है, काफ़ी स्पोर्टी गाड़ी दिखती है, ग्राउंड क्लियरेंस गाड़ी में 170 mm का है, बूट स्पेस 215 लीटर का है। तो अगर आप ऑल्टो 800 नहीं लेना चाहते हैं और एक थोड़ी सी खूबसूरत गाड़ी लेना चाहते हैं तो हुंडई ईऑन देख सकते हैं। नंबर 3 गाड़ी दोस्तों ये है हुंडई की ग्रैंड आई10, और ये मैं उन लोगों को प्रेफर करूंगा जो लोग थोड़ी सी लग्जरी चाहते हैं। इसकी जो कीमत थोड़ी सी आपको महंगी पड़ेगी, यहाँ पर ये आपको 2008 से लेकर 2013 मॉडल पड़ जाएगी करीबन 1,40,000 से 2 लाख रुपए के बीच में। अगर आपको इससे सस्ते मिल रही है तो वो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर इस गाड़ी के अंदर आता था 1.1 लीटर का इंजन जो कि 67 bhp का पावर जनरेट करती थी। यहाँ पर इसमें आपको CNG भी देखने को मिल जाता है और LPG भी इंजन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर जो माइलेज है वो पेट्रोल पे 20 का और CNG और LPG अगर आप मिलता है तो उस पर माइलेज करीबन 25-30 निकाल देती है। यहाँ पर मैं बूट स्पेस की बात करूँ तो ग्रैंड आई10 उसमें 225 लीटर का बूट स्पेस, और इसका जो इंटीरियर है दोस्तों इंटीरियर वाइज बहुत खूबसूरत है। समय के हिसाब से अगर आप उस समय के हिसाब से देखोगे तो भी सही था, लेकिन अगर आज के डेट में सेकेंड हैंड मार्केट में भी देखोगे ना तो ग्रैंड आई10 का इंटीरियर अप टू द क्लास लगता है। नंबर 4 गाड़ी की बात करूँ तो दोस्तों ये है हुंडई की सेंट्रो। अब दोस्तों मैं सेंट्रो आपको उतना नहीं मैं दबाव दूंगा कि आप कभी सेंट्रो लेना। रीज़न ये है अगर आपको ईऑन या ग्रैंड आई10 मिल रहा है तो सेंट्रो पे मत जाना, अगर नहीं मिलता है तो आप सेंट्रो भी ले सकते हैं। सेंट्रो में दोस्तों जो आपको मॉडल मिलेगा वो करीबन 2006 से लेके 2014 तक का पुराना वाला मॉडल मिल जाएगा मार्केट में। कीमत 80,000 से 1.5 लाख रुपए की वेराई करती है। यहाँ पर इस गाड़ी का जो बाहरी लुक है वो काफ़ी क्लासिक लगता है, लेकिन इंटीरियर बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और काफ़ी ज़्यादा दिखने में कुछ लोगों को अच्छा लगेगा कुछ लोगों को नहीं अच्छा लगेगा, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। गाड़ी में
कि स्पेस बहुत अच्छा है, एक प्रैक्टिकल सी गाड़ी है, 5 लोगों के लिए बैठने की जगह, 1.1 लीटर का पेट्रोल इंजन आता है जो कि 63 bhp का पावर जनरेट करती है। गाड़ी में अगर आपको CNG या LPG लगा मिल जाता है तो करीबन 30 तक का माइलेज निकाल देती है। पेट्रोल पे 18 का, ग्राउंड क्लियरेंस 165 mm का और बूट स्पेस 218 लीटर का देखने को मिल जाता है। सेंट्रो की अगर मैं बात करता हूँ तो सेंट्रो लेने की एक और वजह मैं आपको बताता हूँ। सेंट्रो की जो गाड़ियाँ होती है, अगेन इसका जो स्पेयर पार्ट है वो बहुत अच्छी कीमत पर मिल जाता है और एक चली हुई गाड़ी है। लेकिन अगेन अगर आपको ईऑन ग्रैंड आई10 नहीं मिल रहा है तो सेंट्रो की तरफ जाइएगा। बात करते हैं नंबर 5वीं की। दोस्तों नंबर 5वें पे जो गाड़ी आती है ये सबसे अच्छी गाड़ी हो सकती है जो लोग लंबे होते हैं। गाड़ी का नाम है वैगनार। वैगनार दोस्तों एक ऐसी गाड़ी है जिसको काफ़ी रिलायबल माना जाता है इंडियन टीम मार्केट के लिए, या फिर फैमिली की एक कार कहा जाता है। गाड़ी में 1 लीटर का पेट्रोल इंजन आता है जो कि 67 bhp का पावर जनरेट करती है विद अ टॉर्क ऑफ 90 Nm टॉर्क। यहाँ पर जो इस गाड़ी का बूट स्पेस है वो 225 लीटर का है। यहाँ पर अगर इसमें CNG LPG भी लगवा भी दोगे तो भी बहुत अच्छा बूट स्पेस देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर इसका जो प्राइसिंग की बात करूँ तो करीबन अगर आप 80,000 से 1,70,000 रुपये तक इन्वेस्ट कर सकते हैं तो 2008 से लेकर 2015 तक का मॉडल भी आपको देखने को मिल जाएगा मार्केट में। दिल्ली में रहते हैं तो और सबको सस्ता पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये आपको 5 गाड़ियाँ 2 लाख रुपए के अंदर जरूर कंसीडर करना चाहिए। रीज़न ये है दोस्तों, कुछ लोग आपसे कहेंगे इसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बताते हैं कि आप होंडा सिटी ले लें, सिविक ले लें, वरना ले लें। दोस्तों मेरे हिसाब से वो सबसे बड़ा नॉनसेंस भरा आइडिया है, क्योंकि अगर आप उस गाड़ी को ले लेते हैं ना तो आप गाड़ी ले तो लोगे, खुश भी हो जाओगे, लेकिन जब एक बार उसका कोई पार्ट खराब होगा, जब सर्विस सेंटर भेजेगा आपको कोई बंदा, तो भाई आपकी जेब खाली कर देगी। और मैं आपको ये 5 गाड़ी इसलिए कहूँगा लेने के लिए क्योंकि ये सारी गाड़ियाँ इतनी जेब पर इतनी हल्की पड़ती हैं यार, 1500 रुपए में तो मैक्सिमम कोई भी गाड़ी आप इनमें से उठा लेना, सर्विस आपकी हो जाएगी। जबकि अगर आप दूसरों के चढ़ाने पे वो महंगी महंगी गाड़ियां, लंबी लंबी गाड़ियां उठाते हो तो आपको लेना हो तो ले लो, लेकिन बाद में जब उसकी मेंटेनेंस की बारी आएगी तो भैया सावधान रहें, सतर्क रहें, अपने पैसे अपने पास रखें। और आपका क्या राय रखता है इस वीडियो के बारे में अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और भी ऐसे वीडियोज़ को देखने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल ऑटो कंपेयर को। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी किसी और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। सेकेंड हैंड कार सीरीज दोस्तों आज से शुरू हुई है तो मैं ज़्यादा इस पर वीडियो तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन अगर आपको और कोई सजेशन चाहिए मेक श्योर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम जल्द से उस पर रिप्लाई दे देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।